नवैधं सर्करां चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम् ददामि ते रमाकान्तम् सर्वपापाक्षयं कुरु। हरे कृष्णा। नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और उसके अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। इस अवतार का प्राकट्य वैशाख मास की चतुर्दशी को ही हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को रात में भय लगता है या फिर डरावने सपने आते हैं, उनको नरसिंह जयंती पर पूजा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में मंगल का दोष है, उन्हें भी नरसिंह जयंती पर पूजा अवश्य करनी चाहिए। नरसिंह जयंती पर भक्तगण व्रत का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखने से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए, नरसिंह चतुर्दशी पर हम आज नरसिंह भगवान की जन्म की कथा सुनते हैं। कैसे उनका अवतार हुआ और उन्होंने कैसे अपने भक्त की रक्षा की। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम ऋषि कश्यप था और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध हो और न ही शस्त्र से, न वो दिन में मरे, न रात में, न मनुष्य से और न पशु से, न आकाश में और न ही पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोकों पर उसका राज हो गया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया था कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया और आदेश न मानने वाला सजा का भागीदार होने लगा। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। और इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही श्री हरि की भक्ति से प्रहलाद को गहरा लगाव था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के मन से भगवान की भक्ति हटाने के लिए कई असफल प्रयास किए, परंतु वह सफल ना हो सका। एक बार उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में जलाने के प्रयास किया,
परंतु प्रहलाद पर भगवान की असीम कृपा होने के कारण वह अपने इरादों में सफल ना हो सका। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सभी सीमाएं पार कर गईं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वैसे ही भगवान ने उसका वध किया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपने पैरों पर लिटा लिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखेगा, वह सभी तरह के दुखों से दूर हो जाएगा। इस दिन यदि कोई व्रत रखते हुए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान नरसिंह की सेवा पूजा करता है, तो वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।